खींचतान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो देखिए अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर लगातार तंज कस रहे हैं। और एक बार सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, मॉनसून ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव, 100 लाओ सरकार बनाओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खींचतान पर एक बार फिर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल, और ये ऑफर उनका विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार खुला हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य उनके निशाने पर लगातार रहते हैं, ओबीसी तबके से अखिलेश यादव है और ओबीसी की नुमाइंदगी केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, तो दोनों के बीच खींचतान स्वाभाविक सी बात है। कल जब प्रतिक्रिया पूछी गई थी कि बीजेपी में अंदरूनी हालात जो चल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा रहे हैं, लगातार संगठन सरकार से बड़ा ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव सधे अंदाज में बोले थे कि कुर्सी की लड़ाई है जिसमें प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है, लोगों का नुकसान हो रहा है, बाढ़ से राहत मिलनी चाहिए थी लेकिन सरकार अपनी कुर्सी बचा रही है। आपको रुकूंगी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनुराग, अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं 100 लाओ और सरकार बनाओ, किस तरह का ऑफर, इसको कैसे देखे, मतलब क्या ऑफर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हम लोग जनता को लेकर चिंतित हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपस में सिर्फ अटोवल मचा हुआ है, जनता परेशान है। एक तो आप तो चारों तरफ बाढ़ का मौसम है, बाढ़ चारों तरफ फिर रही है, लोगों के गाँव में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिस तरह से सरकार में आप देख रहे हो, टमाटर जो रोज की महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार लोगों के पास है नहीं, लोग परेशान हैं, तो लोगों की परेशानी कैसे, पर्चा लीक जिस तरह से हो रहा है, लेकिन सरकार तो लोगों की परेशानी आप 100 लाओ सरकार बनाओ के ऑफर से दूर करेंगे? अनुराग भदौरिया, सुने